पुल से गुजरते सैकड़ों लोग, दर्जनों कारें और अचानक पुल धराशायी। पुल पर गुजर रहे लोग पानी में जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि अमेरिका में हुए हादसे का भयावह दृश्य है। अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। कंटेनर से लदा पानी का एक बड़ा जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया। टक्कर के बाद पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के समय कई गाड़ियां और लोग पुल पर मौजूद थे। हादसे के बाद कारें और लोग पानी में बहते दिखे। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि पुल से ढहने से बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। हालांकि मरने वालों की कोई गिनती अभी तक सामने नहीं आई है। नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेटाप्सो को नदी के ऊपर बने इस पुल का निर्माण 1977 में हुआ था। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन डायरेक्टर केविन कार्ट राइस ने रॉयटर्स से कहा कि हमें देर रात लगभग 1:30 बजे इमरजेंसी सर्विस 911 पर कॉल आई और बाल्टीमोर में ब्रिज के टकराने की बात पता चली। इस हादसे में बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की आशंका है। हम लोगों की तलाश कर रहे हैं। बाल्टीमोर के मेयर ब्रेंडन स्कॉट ने भी कहा कि आपातकालीन सेवाएं हादसे वाली जगह पर काम कर रही हैं। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन लिंक है, क्योंकि ये वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाइन को आर्लिंगटन वर्जीनिया के रॉसलिन से जोड़ता है। ये ब्रिज फ्रांसिस स्कॉट को समर्पित है, जिन्होंने अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा है। कार्गो शिप की लंबाई 948 फीट बताई जा रही है। टक्कर के बाद जहाज भी डूब गया। दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जहाज को पुल से टकराते हुए देखा जा सकता है। टक्कर के बाद जहाज में आग लग जाती है और फ्रांसिस स्कॉट का ब्रिज एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई करीब 3 किलोमीटर यानी 1.6 मील बताई जा रही है। दाली नाम के जहाज पर सिंगापुर का ध्वज लगा था। जहाज ग्रेस ओशन प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है, जिसका मैनेजमेंट सिनर्जी मरीन ग्रुप के पास था। ये जहाज श्रीलंका जा रहा था। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि हादसे के वक्त पुल पर कितने लोग थे और कितने वाहन मौजूद थे। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के मुताबिक ब्रिज पर हादसे के बाद सभी लेन बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। जहाज पुल से कैसे टकरा गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस मामले की जाँच की जा रही है। पेटाप्सको नदी में इस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ऐसे में हादसे के बाद नीचे गिरे लोगों की जान को खतरा है। अगर उन्हें समय से नहीं निकाला गया तो कम टेम्परेचर की वजह से लोग हाइपोथर्मिया के शिकार भी हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।